से रम़ानलमबारक ब़ैर आफ़ियतल्ला तला ने गुजरवाया और रमज़ान के बाद चूँकि आपसे गुफ्तु हो रही है तो अगरचे देर से ही सही लेकिन मेरी तरफ से आप तमाम सुनने वालों को ईद की मुबारक हो और रोज़ों के भी मुबारक हो और जिन हमारे भाई बहनों सुनने वालों ने तौबा की उनको तौबा के भी मुबारक हो के तौब पर अल्लाह ताला यूं कर देता है जैसे आज माँ के पेड़ से जन्म लिया हो। आमतौर पर हम अल्लाह की रहमत के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं बल्कि यकीनन इंसान थोड़ा ही जानता है उसकी हर सिफत के बारे में वो लाह है हम महदूद हैं लेकिन लाशोर में हमने अल्लाह को दुनिया के बादशाहों की तरह समझा हुआ है के जैसे वो सख्त गिर हैं और पकड़ने वाले मार थाड़ वाले अल्लाह तो करम ही करम है रहम ही रहम है अल्बत्ता उसका इंसाफ क़ानून है कि अल्लाह ताला ने अमन जालती न कल्फुजार ये बता दिया कि मैं तकबे वाले और नाफ़रमान को बराबर नहीं कर सकता लेकिन नाफ़रमान के लिए कितना ख़ूबसूरत रास्ता बताएं इनताबुफ अन हबीब हूँ सुबह कि अगर वो तोबा कर लें तो उसी वक्त में उनका महबूब बन जाता हूँ तो अल्लाह की रहमत वसी है और इंसान गुनागार है जब कभी खता हो उस पर बाकी नहीं रहना चाहिए फ़ौर तोबा करनी चाहिए मेरा अल्लाह अपने करम से माफ़ करने में बहुत ताकत रखता है और बहुत खुश होता है तो खैर ज़िमन बात आ गई अल्लाह ने हमें शवाल की महलत दी है शवाल का महीना दिया है और अल्लाह ने जनाब रसूल सल्ला वसलम की तोफ़ैल इस सुम्मत के लिए बहुत आसानियाँ बहुत नरमियाँ कर दी हैं रमज़ान में रोज़ा तमाम फ्राइज एक फ़र्ज सत्तर के बराबर हो जाता है और एक नफल फ़र्ज के बराबर हो जाता है इस तरह सुत को अल्लाह तहत नवाजा है तो बल्कि जब ये आयत आई मंजाबल हसनफल आश्रम साल जो एक ने की करेगा हम दस देंगे तो ये एक आलमी क़ानून था जो हर उम्मत के लिए था इस पर हमारे नबी ने अर्ज की आल् ज़िद उम्मत याद मेरी उम्मत को कुछ ज़्यादा हो जाए यानी मतलब ये था कि ये तो आदमी इस्लाम से इसला तक क़ानून चला आ रहा है तो मेरी खसूसियत है मेरी वजह से मेरी उम्मत की कुछ खसूसी रत हो जाए तोल्ल ने इस पर दूसरी आयत उतारी मंदर हसन के तीरा मुझे कर्जा कौन देता है मैं उसे कई गुना करके वापस करूँ इस पर जनाब रसूल सल्लम ने अर्ज़ किया अल्लाह जिद उम्मत यह अल्लाह कुछ और ज़्यादा फरमा अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी मसलिनफ़ुन फ़ी सबीक मसलतन अम्बतनाबिल

आपने फिर कहा मजद उम्मत अल मेरी उम्मत को और ज़्यादा था फरमा तो इस पर अल्लाह ताली ने फिर ये आयत उतारी इन नमाज वफत् बरून अजरहम ब़ैर हिसाब चले मेरे महबूब आपसे ज़रब तकसीम क्या कर करना हम आपकी उम्मत के सबर वालों को बेहसाब देंगे उस बेहिस रहमतों में से एक रहमत शवाल के छः रोज़े हैं कि जनाब रसूल सल्हसम ने अर्शाद फरमाया मनसा मदान रमजान के रोजे रखे और फिर शव्वाल के छह रोजे रखे उसके पीछे और सुमा का लफ्ज बताता है कि ये छह रोजे इकट्ठे नहीं है तीस दिन में छोजे हैं बाज दोस्तों को ये आ, तकलीफ़ महसूस होती है छः इकट्ठे रखने में और कहीं के जेन में भी बाज़ा ये होता है कि शायद ये छः इकट्ठे रखने रमज़ान की तरह ऐसा नहीं सुम्मा सुम्मा का मतलब होता है कि इस पूरे महीने में या कम से उनतीस के तीस के दर दौरान जो छः रोज़े रख लेगा तो पूरे साल के रोज़े रखने का उसे अजर मिल जाएगा कि छोज़े और ये छत्तीस हो गए और साल के दिन हैं तीन सौ साठ हैं तो 36 रोज़ों के बदले में 360 रोज़े रखने का अल्लाह ताला उसे अजर नसीब फरमाएंगे और फिर ये जो कुरान की फजील अफसा अमीन अवसा रोज़ा रखने वाले मर्द रोज़ा रखने वाली औरतें जो कसरत से रोज़ा रखते हैं वो तो अपनी जगह पर उनका अजर बेशुमार है लेकिन जो थोड़ा करके भी कसरत वालों के साथ हो जाए उनका शरीक हो जाए उनकी बरकतें उसको मिल जाएँ तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो ये शवाल के छः रोज़े रख लेता है तो ऐसा जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रख लिए और सारे साल का वो रो, 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 रो रोज़ेदार है और वो जो जन्नत के आठ दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रईान तो वो सिर्फ़ रोज़े वालों के लिए खोला जाएगा और जब उसमें से गुज़र जाएंगे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा तो ये जो ख़ीन जो हजरात जो जवान जो छोटे बड़े ये पूरे साल का अजर लेना चाहें मख्तसर वक्त में थोड़ी मशक्क़त के साथ तो ये छः रोज़े अगर रख लिए जाएँ तो पूरे साल के रोज़ादार के लाने का अल्लाह अजर नसीब फरमा देता है ये जनाब रसूल सल्लाम की तोफ़ैल हमें ये सहूलतें मिली हैं जो मेरे मालिक ने हमें अता फरमाई हैं और उनका फिर कोई हद हिसाब नहीं कोई शुमार नहीं इसलिए एक दफ़ा मूसा इस्लाम ने इस उम्मत के जब फज़ाइल सुने तो कहने के अल्लाह ये उम्मत तो मुझे ही दे दे तो अल्लाह ने कहा नहीं मूसा ये मेरे महबूब की उम्मत है जो सबसे आखिर में आने वाले हैं इस उम्मत की नबियों ने तमन्ना की कि ये उम्मत हमें दे दी जाए लेकिन अल्लाह ताली ने हमारा नसीब बनाया कि हमें जनाब रसूल सल्लम का उम्म ही बनाया और सारी सहूलतों के बाद और सारी आपके तोफ़ैल जो नमतें मिली हैं उसके बाद एक ऐसी नमत है जिसकी जिसको सोचना चाहें तो कोई किनारा कोई नहीं आपने फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक़ दिया क्या मेरे महबूब मेरे नबी ये दुआ है मैं एक दुआ का आपको हक़ देता हूँ जो मांगेंगे हम वो कर देंगे आदम से लेकर ये सल्लाम तक हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ का इख्तियार दिया हर नबी ने वो दुआ मांग ली अल्लाह ने कबूल फरमा कि वैसा ही कर दिया जैसा उस नबी ने चाहा या रसूल ने चाहा जब हमारे नबी के बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आपको भी एक दुआ का इख्तियार है आप भी मांगें तो आपने कहा अल्लाह ठीक है मैंने इख्तियार आपका कबूल किया लेकिन मैं ये दुआ यहाँ नहीं मांगूंगा मैं ये दुआ क्यामत के दिन अपनी उम्मत के गुनागारों की बख्शिश के लिए मांगूँगा और मैं इसको अपनी उम्मत की शफात के हक़ में इस दुआ को इस्तेमाल करूँगा ये आपकी रहमतों में से बहुत बड़ी रहमत हर रहमत बहुत बड़ी है आपस में मुकाबला किया जाए बहुत बड़ी है फिर आपकी शफात का मिल जाना कितनी बड़ी रहमत है फिर पुलसरात पे आप खड़े होंगे उम्म को गुजारने के लिए कितनी बड़ी नेमत है ओज कौसर का आपके हाथों पानी मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है आपके साथ जन्नत में दाखिला होना आपने फरमाया अहल जन्नत की एक सौ बीस सफ़े उसमें से अस्सी सफ़े मेरी उम्मत की हैं चालीस सफ़े बाकी उम्मतियों की हैं और सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होगा सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम ना पड़ जाए और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उमत चली जाए और मैं कहा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा बिलाल मेरी ऊँटनी की रस्सी पकड़ के मेरे साथ होगा मेरे लिए दरवाज़ा खुलेगा और मेरे साथ सबसे पहले मेरी उम्मत के ग़रीब लोग दाखिल होंगे बाकी लोग बाद में दाखिल होंगे सबसे पहले मेरी उम्मत अंदर जाएगी उसके बाद बाकी उम्मतें दाखिल होंगी ये जनाब रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसलम की तो फ़ैल जो हमें नमतें मिली हैं वो मैंने मुख्तर जिक्र किए हैं चंद एक उनमें से ये छः रोज़े भी हैं जो दोस्त जो मर्द जो हजरात जो खुतीन मस्तुरा रखना चाहें उनके लिए बहुत बड़ी फजीलत है सारे साल के रोज़ेदारों ने कहा तेहर नसीब फरमाएगा अल्लाह हमें हमारे तोफी बखश असल